जरूर आया होगा, मैं यहां से गुजरा हूं तो। साथियों, इसलिए भारत के यंग इनोवेटर्स के लिए और ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए एआई एक ऐसा क्षेत्र अनगिनत नए अवसर लेकर के आया है। नेशनल क्वांटम मिशन, इंडिया एआई मिशन और सेमीकंडक्टर मिशन, ये सारे अभियान भारत के युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलेंगे। अभी कुछ महीने पहले मुझे अमेरिका की संसद को संबोधित करने के लिए उन्होंने बुलाया था, तो मैंने वहां एआई की चर्चा की। तो मैंने कहा अब एआई दुनिया का भविष्य तय करने के लिए सामर्थ्यवान बनता जा रहा है, तो जितनी वहां समझ थी उतने हिसाब से तालियां बजी। फिर मैंने कहा कि मेरा एआई का मतलब है अमेरिका इंडिया। तो पूरा सभागृह खड़ा हो गया। साथियों, लेकिन ये तो मैंने वहां पॉलिटिकल संदर्भ में कहा, लेकिन आज मैं जरूर मानता हूं कि एआई की आज सामर्थ्य, इसका नेतृत्व भारत के हाथ में ही रहेगा और रहना भी चाहिए। इंडियन सॉल्यूशंस फॉर ग्लोबल एप्लीकेशंस की भावना, मुझे पक्का विश्वास है, बहुत बड़ी मदद करेगी। भारत के युवा इनोवेटर जिन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढेंगे, वो दुनिया के अनेक देशों की मदद करेंगे। मैं पिछले दिनों को एक प्रयोग करता रहता हूं। मैं दुनिया के कई देशों के साथ हमारे देश के बच्चों के हैकाथॉन करवाता हूं। 30-40 घंटे ये बच्चे ऑनलाइन जुड़ करके हैकाथॉन करते हैं, मिक्स टीम बनती है। जैसे मानो सिंगापुर इंडिया है, तो सिंगापुर के बच्चे इंडिया के बच्चे साथ में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैंने देखा है कि भारत के बच्चों के साथ हैकेथॉन करने के लिए दुनिया में बहुत बड़ा आकर्षण पैदा हुआ है। फिर मैं उनको कहता हूं, यार तुम जमोगे नहीं उनके साथ? बोले साहब, जमेंगे नहीं लेकिन सीखेंगे। तो दोस्तों, भारत में जो इनोवेशन ट्राइड और टेस्टेड होगा, वो दुनिया की हर ज्योग्राफी और डेमोग्राफी में सक्सेसफुल होगा, क्योंकि हमारे यहां सब नमूने हैं। यहां रेगिस्तान भी मिलेगा, यहां बाढ़ वाला इलाके भी मिलेगा, यहां पर मीडियम पानी वाला भी, यानी हर प्रकार की चीज आपको एक ही जगह पर सब मौजूद है जी। और इसलिए यहां जो सक्सेस हुआ, वो दुनिया में कहीं पर भी सक्सेस हो सकता। साथियों, भारत लगातार इस विषय में फॉरवर्ड प्लानिंग करते हुए चल रहा है। देश ने हजारों करोड़ रुपयों के नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने का निर्णय लिया है। थोड़े समय पहले इसका निर्णय आपने देखा होगा, और इंटरिम जो बजट हमने रखा था, हमारे देश में कुछ चीजों की चर्चा करने के लिए लोगों को फुर्सत नहीं है, क्योंकि फालतू चीजों में उनका टाइम बहुत जाता है। इस इंटरिम बजट में, क्योंकि पूरा बजट तो अभी जब मैं दोबारा आऊंगा तब आएगा, इस इंटरिम बजट में एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है। मैं चाहता हूं कि देश के हर नौजवान को पता होना चाहिए।
रिसर्च और इनोवेशन के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए के फंड की घोषणा की गई है। इससे सनराइज टेक्नोलॉजी एरियाज में लंबे समय तक चलने वाले रिसर्च प्रोजेक्ट में मदद मिलेगी। भारत ने डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन के लिए बेहतरीन कानून भी बनाया है। स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए जो भी कदम जरूरी है वो सारे उठाए जा रहे हैं। अब देश फंडिंग का एक बेहतर मैकेनिज्म बनाने का भी प्रयास कर रहा है। साथियों, आज जो स्टार्टअप सफल हो रहे हैं उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। आपको ये तो ध्यान रखना ही है कि आपके आइडिया पर किसी ने भरोसा किया है तभी आप यहां पहुंचे हैं। इसलिए आपको भी एक नए आइडिया को सपोर्ट करना चाहिए। कोई तो था जिसने आपका हाथ पकड़ा था, आप भी किसी का हाथ पकड़िए। क्या आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में युवाओं को प्रेरित करने के लिए मेंटर के रूप में जा नहीं सकते? मान लीजिए आपने 10 टिंकरिंग लैब ले लिए, जाएंगे उन बच्चों से बातें करेंगे, आपके आइडिया उनके आइडिया चर्चा करेंगे, इंक्यूबेशन सेंटर पर जाएंगे, 1 घंटा दीजिए, आधा घंटा दीजिए, मैं रुपये पैसे देने की बात नहीं कर रहा हूं। देश की नई पीढ़ी से मिलिए दोस्तों, मजा आ जाएगा। आप कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट से मिलकर के उन्हें गाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कहने को एक सक्सेस स्टोरी है, उसको सुनने के लिए युवा मन तैयार है। आपने खुद को साबित किया है, अब आपको दूसरे नौजवानों को दिशा दिखानी है। देश हर कदम आपके साथ है। मैं यहां दो और भी बात कहना चाहता हूं। ये जो मैं सरकार में काम करता हूं, थोड़ा अंदर की बात बताता हूं, मीडिया में नहीं जानी चाहिए। मैंने सरकार में एक बार